21 जुलाई से 2 सितंबर के बीच केंद्रीय जांच दल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बटने वाले चावल की गुणवत्ता की जांच करने आया था। जांच के बाद अपनी रिपोर्ट में केंद्रीय दल ने मंडला जिले के संगम वेयरहाउस के चावल को अमानक स्तर का बताते हुए इसे इंसानों के उपयोग लायक नहीं पाया। जैसे ही यह बड़ी खबर लोगों तक पहुंची सब जाग गए और इसके चलते दोषियों पर त्वरित जांच की मांग कांग्रेस द्वारा की गई, जिसमें निवास विधायक डॉ. अशोक मशकोले, प्रदेश सचिव संजय सिंह परिहार, कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष राकेश तिवारी के साथ समस्त कांग्रेसियों ने रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और दोषियों पर तुरंत कार्रवाई की मांग की। हुआ ही नहीं है। हमने कहा कि आप जब ये भोपाल वाले जांच करने के लिए आ सकते हैं, दिल्ली वाले जांच करने के लिए आ सकते हैं, तो आपने भी तो कोई जांच की होगी। बिलिंग के बाद में अगर आप स्टोरेज के लिए पहुंचाते हैं तो वहां पर आपने कोई तो अपने स्टैंडर्ड से बात करके उसकी पैकिंग की होगी, उसकी सैंपलिंग की होगी। उसका किसी भी प्रकार के इन्होंने जवाब नहीं दिया। वहाँ हमारी एक टीम होती है, हमारा एक स्टाफ होता है, वो चेक कर लेता है। इन लोग सामान्य रूप से ले रहे हैं। यहाँ के हर व्यक्ति को, यहाँ की हर जनता को मालूम है कि ये मिलिंग में और ये खाद्यान्न में बहुत बड़ा घोटाला है। कई तरीके से हम लोगों ने भी कहा है। मेरे अध्यक्ष रहने के बाद में भी मैंने इस चीज़ को उनको चेताया है कि अगर कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई होती है उसके अगेंस्ट में सीधे हम सजा की बात करेंगे। पहले के कलेक्टर थे, अभी भी कलेक्टर मैडम को हम इसी चीज़ के लिए हम बोल रहे हैं। और हम तो अब तो सीधे देखिए, अब हमने नहीं कहा, अब तो उन्होंने 32 सैंपल लिए हैं और मंडला के 10 सैंपल लिए हैं और ये पूरे के पूरे खाने योग्य नहीं हैं। उन्होंने स्टैंडर्ड ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 का सीधे तौर पे, जब वो लेटर आप पढ़ेंगे मीडिया के पास, सबके पास पहले ही पहुंच चुका है, सीधे तौर पे उन्होंने कहा है कि ये तो खाने लायक है ही नहीं। उन्होंने किसके खाने लायक है उसमें दिया है, पशुओं के खाने लायक है, पूरा स्टैंडर्ड दिया है। मनेरी में और आसपास के जहाँ के ये पेपर में आए हैं, लगातार हम लोग सक्रिय रहे, राशन की दुकानों से हमने सैंपलिंग दी है, लेकिन उसके बाद में किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी मिलीभगत पे लेके कर रहे हैं। बात इसलिए उठ के आ गई है कि दिल्ली ने प्रदेश सरकार पे सवाल उठा दिया कि कोविड के समय आपने ये सब क्या किया है। बात जो संज्ञान में आई दो बिंदुओं को लेके आज हम आपके पास ज्ञापन सौंपने आए हैं, जिसमें यह है कि कल एक ऐसी रिपोर्ट आई केंद्रीय जांच समिति की, जिसमें पूरे प्रदेश में हाहाकार मच गया कि मंडला और बालाघाट जिले में गरीबों के लिए जो आया हुआ राशन में अनाज है वो इतनी घटिया क्वालिटी का है कि उसको जानवर भी खाना पसंद नहीं करेगा। ये हम नहीं, ये केंद्रीय जांच समिति की रिपोर्ट बोल रही है और इसके लिए हम आपके पास में आए हैं और चाहते हैं कि इसमें व्यवस्थित रूप से और विधिवत जांच हो। हम मंडला जिले को चारागाह नहीं बनने देना चाहते कि यहाँ का गरीब आदिवासी अपना खून पसीना बहाए, अनाज उत्पादन करे और जब अनाज उत्पादन करे तो उसमें भारी भ्रष्टाचार हो और जब भ्रष्टाचार हो उसकी जांच रिपोर्ट आए तो उसको बचाने के लिए एक संविदा नियुक्ति के स्तर के अधिकारी को निलंबित किया जाता है और जांच पूरी नहीं की जाती। ये बहुत बड़ा गंभीर आरोप है। इस बात को देखना होगा कि जब किसानों से धान खरीदी जाती है, सैंपलिंग होती है, तो वहाँ अधिकारी बैठाए जाते हैं कि हम ए ग्रेड की धान लेंगे और जब ए ग्रेड की धान जाती है तो वो जाके स्टॉक में जब चावल बनता है तो ऐसा घटिया चावल आखिर कैसे हो जाता है। और उसमें जो लिप्त होते हैं लोग, जो जांच एजेंसी होती है उसमें जो इंस्पेक्टर होते हैं, जो सर्वेयर होते हैं, वो आखिर क्या देखते हैं, ये जवाबदारी उनकी सुनिश्चित की जाना चाहिए, ऐसा हमारा इसमें निवेदन है। दूसरा जो हमारा बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है मैडम, कि मंडी में जो मंडी व्यापारी हैं उन्होंने किसानों का अनाज खरीदना बंद कर दिया है। वो इसलिए बंद कर दिया कि एक आदेश जारी हुआ है कि राशन का अनाज अगर पाया गया किसी व्यापारी के पास में तो उस पर हम FIR करेंगे, मामला दर्ज करेंगे। आदेश तो जारी कर दिया गया लेकिन ये बात नहीं बताई गई कि उस बात की जांच कैसे होगी कि ये अनाज राशन का है। जो व्यक्ति राशन लेके आता है वो एक व्यापारी हो सकता है, एक किसान हो सकता है, कृषक कोई भी हो सकता है। इस बात की जांच आखिर कौन करेगा?
आदमी तो झोले में भर के अनाज लाया, व्यापारी को दे दिया, उसमें कहीं लिखा तो नहीं होता कि ये राशन का अनाज है। इतना कठोर नियम बनाने के पहले इस बात की व्यवस्था की जानी थी कि किसी का अहित न हो। आज व्यापारी परेशान है, आक्रोशित है, उन्होंने चेतावनी दी है कि ऐसी स्थिति में हम अपना काम बंद कर देंगे, हम अनाज नहीं खरीदेंगे। हमारा इसमें ये निवेदन है कि पहले जब तक कोई व्यवस्था आप नहीं बनाते, ऐसे आदेश को तत्काल प्रभाव से रोका जाए और ये बात सुनिश्चित की जाए कि इस बात की जाँच कौन करेगा कि ये राशन जो है राशन का अनाज है या किसी कसर का। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है मैडम, और ये बहुत दिनों से ये चर्चा का विषय था। और दूसरा अनाज वाला जो कल का मैटर है, ये बहुत गंभीर आरोप है। मंडला के साथ हम ये अन्याय नहीं होने देंगे। अगर हमारी बात नहीं मानी गई, मांग नहीं मानी गई और विस्तृत जांच होकर के अगर उसमें लिप्त ये पूरा खेल मिलर्स और जो खाद्य विभाग खाद्य आपूर्ति निगम का है, अगर इस पर जाँच करके दोषियों पर FIR दर्ज नहीं की गई तो हम इसके लिए बृहद आंदोलन करेंगे, गोदामों का घेराव करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। ये हमारी मांग है ज्ञापन। हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से मंडी में अनाज व्यवसायी लोगों के ने जो है कृषि उपज मंडी के अधिकारियों ने एक आदेश पारित किया है कि किसानों का अनाज नहीं खरीदा जाएगा, तो ये क्या चिन्हित कर सकते हैं? किसान एक हितग्राही भी हो सकता है जिसको लेन से दाना में अनाज मिले, और वो अगर बचत में अनाज है तो उस अनाज को कृषि उपज मंडी में बेचता है तो उसको प्रतिबंधित क्यों किया गया? यह आदेश माननीय कलेक्टर महोदय ने निकाला है, इसे संशोधित कराया जाए, इसे निरस्त कराया जाए। दूसरा रही बात चावल की गुणवत्ता की बात, तो निश्चित गोदामों में जैसे भ्रष्ट चावल गुणवत्ताहीन चावल रखा है उस चावल को बदला जाए और अधिकारियों को भी सस्पेंड किया जाए, बर्खास्त किया जाए और उन जवाबदार लोगों को भी दंडित किया जाए जो इस घटिया चावल को संक्रमण काल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उन गरीब असहाय और आदिवासियों को बांटा गया। इस बात का कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। अगर यह हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम अभी 10 तारीख को मंडला जबलपुर मार्ग को लेकर जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। हम लगातार जन मांग उठाते हुए कलेक्ट्रेट का भी घेराव करने जा रहे हैं। ये मामला आज सामने आया है जब केंद्रीय जांच दल ने प्रदेश शासन के ऊपर उस विभाग के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया है और उसकी रिपोर्ट उन्होंने प्रस्तुत करी है। मैं खाद्य सुरक्षा सतर्कता समिति का अध्यक्ष हूं और पहली बैठक से लेकर लगातार मैंने ये अधिकारियों को चेताया है, इसकी क्वालिटी पर मैंने प्रश्न चिन्ह लगाए, लेकिन अधिकारी वर्ग जो है और जो माफिया हैं इनका जुड़ाव इतना ज़्यादा है कि उन बातों को एक सिरे से नज़रअंदाज किया गया है। आज केंद्रीय जांच दल की जो रिपोर्ट है उसने इतना बड़े मामले को लेकर आज प्रदेश स्तर तक बात हुई है। मैं पहले से कहता आया हूं कि यहां के जो अधिकारी हैं, जो संबंधित नान के अधिकारी हैं, ये बड़े लेवल पर लिप्त हैं मिलर्स के साथ में, और ये बहुत बड़े लेवल पर एक ऐसा खेल खेल रहे हैं जिसमें उनको फ़ायदा है लेकिन उनको कोई मतलब नहीं कि गरीब आदमी के पेट में अगर सड़ा हुआ अनाज जाएगा तो उनके स्वास्थ्य पर क्या प्रतिकूल असर पड़ेगा। मैं सीधे तौर पर कहना चाह रहा हूँ कि मिलर्स और अधिकारी इनकी मिलीभगत से ये सब हुआ है। हम आज एक ज्ञापन के बाद में सीधे तौर पे हम कलेक्टर से मिले हैं, कलेक्टर ने सीधे तौर पे कहा है, हमने उनसे कहा है कि जब बालाघाट में कार्यवाही अगर 24 घंटे के अंदर हो सकती है तो मंडला में क्यों नहीं। तो सीधे तौर पे कलेक्टर ने कहा है कि हम बालाघाट से 4 गुना बड़ी कार्यवाही करेंगे। हम आश्वस्त हैं, हम पूरी उम्मीद करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के जो मामले हैं बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर मिलर्स के साथ मिलीभगत का मामला है और इतना बड़ा मामला है कि चूँकि मंडला का चावल उच्च क्वालिटी का होता है लेकिन सोसाइटी में घटिया क्वालिटी का चावल को परोसा जाता है। ये जो मामला है कई समय से हम उठा लें कि अब चूँकि केंद्रीय जांच दल ने भी इस चीज़ को स्वीकार किया है, प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है, अब प्रदेश सरकार को जवाब देना पड़ेगा। यहाँ पर कलेक्टर के माध्यम से जो संबंधित विभाग है उसको जवाब देना पड़ेगा और कलेक्टर को उनके अगेंस्ट में कार्यवाही करनी होगी। अब हम सिर्फ एक मिल की बात नहीं कर रहे हैं या एक वेयर हाउस की हम बात नहीं कर रहे हैं, अब तो सारे जो मिलर्स हैं और सारे जो वेयर हाउस है जहाँ पर ये जो खाद्यान्न है वहाँ पर, उन सब की हम जांच करवाएंगे और जो भी जो स्टैंडर्ड नहीं रहेगा उसकी उस पर कार्यवाही करवाएंगे। ये मामला बहुत गंभीर है और ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार की निरंकुशता का परिणाम है कि आए दिन जब ये बातें उठती थी कि आदिवासी बाहुल जिला जो है मंडला, इस इलाके के गरीब आदिवासी लोग हैं और उनके साथ एक बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है, बहुत बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। वो मुद्दा इस बात का है कि यहाँ का गरीब किसान जब अपनी फसलें उगाता है, बहुत मेहनत करता है और अच्छी किस्म की फसलें उगाता है,
और जब धान खरीदी होती है तो पूरा प्रशासन उस पर लगा रहता है कि ए ग्रेड और बी ग्रेड बना करके धान उच्च क्वालिटी की खरीदी जाती है। जब उच्च क्वालिटी की धान खरीदी जाती है और उसकी मिलिंग होती है तो उच्च क्वालिटी की धान की मिलिंग होने के बाद में आखिर वो चावल घटिया कैसे हो जाता है, घटिया चावल गोदामों में कैसे पहुंच जाता है। गरीब लोगों को दिया जाने वाला राशन के माध्यम से, सोसाइटी के माध्यम से दिया जाने वाला अनाज, आज स्थिति ये है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि केंद्रीय जांच समिति ने इस बात की जांच की और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी कि मध्य प्रदेश के संबंधित जिले जिसमें मंडला और बालाघाट भी शामिल हैं, ऐसा अनाज, ऐसा चावल हमारे गरीब भाइयों को दिया जा रहा है जिसको जानवरों को भी दिया जाना उचित नहीं है। जो चावल जानवरों को देने लायक नहीं है वो चावल जो है ऐसी कोरोना महामारी के बीच में बांटा गया, गोदामों में स्टॉक किया गया। ये एक इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, इतना बड़ा ब्लंडर है कि आप इसकी कल्पना नहीं की जा सकती।